हेलो स्टूडेंट, माई सेल बिंदु बालकुसरियन, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट्स इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एवं स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ब्रायोफाइट के अंतर्गत उभयचर प्रकृति वाले प्लांट्स आते हैं। ठीक है, जैसा कि हमको पता ही है कि ब्रायोफाइट्स कैसा एक उभयचर प्लांट होता है। ठीक है, इन्हीं से स्थली पौधों का डेवलपमेंट जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, उभयचर प्रकृति वाले होने के कारण इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कई मेथड्स पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कारण इनकी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट कैसी होती है, तेज़ी से होता है। ठीक है, इनके थैलस में विभिन्नता पाई जाती है। उसी प्रकार इनके स्पोरोफाइट्स के स्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और रिजर्वेशन इन ब्रायोफाइट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पाया जाना ब्रायोफाइट्स का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, पौधों के वेजिटेटिव भाग के द्वारा एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बहुत सी स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स, विशेषकर ऐसी डाइसियस स्पीसीज जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ठीक है, उनमें रीजनरेशन की क्रिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होती है। ठीक है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है उन प्लांट्स में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, प्रोफेसर कोरिंस 1899 तथा प्रोफेसर कैवर्स 1903 के अनुसार, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो निम्न मेथड्स के द्वारा संपादित होता है। ठीक है, सबसे पहला मेथड है इसमें अग्रभागों की वृद्धि तथा पुराने भागों की उत्तरोत्तर मृत्यु एवं गलन द्वारा। ठीक है, सेकेंड है ट्यूबर निर्माण द्वारा, थर्ड है गेमी निर्माण द्वारा, फोर्थ है द्वितीयक प्रोटोनिमा द्वारा और फिफ्थ है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। सबसे पहले देखते हैं इसमें, फर्स्ट बाई डेथ इन डीके ऑफ ओल्डर पार्ट्स मेथड्स। ठीक है, इस मेथड द्वारा थैलस लाइक ब्रायोफाइट वर्ग के प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इस मेथड्स में पोस्टेरियर पार्ट्स की मृत्यु होने के कारण एपिकल पार्ट्स की वृद्धि निरंतर होती रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, ठीक है, अग्रभाग की वृद्धि होगी और जो पुराना भाग होगा वो क्या हो जाता है, नष्ट होते जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसके अग्रभाग में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, जिससे नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया और इंथसराज में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे यह हमारा क्या है, पेरेंट थैलस है। ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट क्या होता है, जो पुराना पार्ट होता है वो क्या होता है, नष्ट होते जाता है। यहाँ पे दिखाया डीके पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, नष्ट होते जाता है और इसका ऊपर वाला भाग होता है, अपर पार्ट क्या होता है, वो ग्रोथ करते जाता है। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, एक नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ट्यूबर बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ ब्रायोफाइट जैसे कि एंथोसिरोस, रिक्सिया एक्सेट्रा में, ठीक है, प्रतिकूल दशाओं में थैलस पर ट्यूबर बनते हैं। ठीक है, थैलस के सूख जाने पर यही ट्यूबर्स दूसरे थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक ट्यूबर्स के अंदर फूड मटेरियल, स्टार्च एवं ऑयल ड्रॉप्स के रूप में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिक्सिया में ट्यूबर द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
ये हमारा क्या है, रिक्शा का थैलस है, ठीक है। इसी थैलस में क्या होता है, अपर पार्ट में इस पर ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। यही ट्यूबर क्या करता है, आगे चल के न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाय गेमी फॉर्मेशन, ठीक है। अब गेमी के द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, उसको गेमी कब कैसे पाया जाता है, मार्केंसिया में, ठीक है। मार्केंसिया में वेजिटेटिव प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, गेमी के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये क्लब्ड सेप्ड स्ट्रक्चर जो कि मार्केंसिया के पृष्ठ सतह उसके डॉर्सल सरफेस पर उपस्थित गेमा कप में होती है, ठीक है। इसके प्रत्येक गेमी के मध्य भाग में लेटरल साइड में दो ग्रूव्स पाए जाते हैं, ठीक है। तथा गेमी के बॉडी में बहुत सी ऑयल सेल्स तथा राइजॉइड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। गेमा कप से अलग होने के पश्चात ये गेमी पानी के एब्जॉर्प्शन करके क्या हो जाता है, फूल जाता है, और इसकी राइजॉइडल सेल्स क्या होती है, डेवलप होकर राइजॉइड्स को डेवलपमेंट करती है, ठीक है। गेमी के मध्य भाग के ग्रुप्स में ग्रोविंग पॉइंट्स स्थित हैं जो कि डिवाइड होकर एक या दो नए थैलस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। मेल थैलस पर उत्पन्न गेमी से मेल थैलस बनते हैं, जबकि फीमेल थैलस से उत्पन्न गेमी से फीमेल थैलस का जन्म होता है, ठीक है। जो मसाई के सदस्यों में क्या होता है, इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, गेमा कप है। गेमा कप के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेमी पाया जाता है। जब हम गेमा कप का VS कटिंग करेंगे तो हमको ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। इसके दोनों साइड क्या पाए जाते हैं, नोच पाए जाते हैं, खांचे पाई जाती है। इन्हीं से इनमें क्या होता है, एक ग्रोविंग पॉइंट पाया जाता है, जिन्हीं से क्या होता है, नए थैलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाय सेकेंडरी प्रोटोनोमा, ठीक है। प्रोटोनिमा के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऐसे ब्रायोफाइट जिनमें प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है उनमें प्राइमरी प्रोटोनोमा से या, ठीक है, मूलांग से, ठीक है, उसके स्टेम से सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है, जिससे नया पौधा बनता है। जैसे कि स्फेगनस पॉलीट्राइकस में क्या होता है, प्रोटोनिमा पाया जाता है, उनमें प्रोटोनिमा के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्पोर्स है। स्पोर्स में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। इसे जर्मिनेशन होगा तो क्या होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी प्राइमरी प्रोटोनिमा से क्या होता है, आगे जब ये ग्रोथ करता है तो बर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी से सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बाई एडवेंटियस ब्रांच के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ ब्रायोफाइट जैसे कि रिक्सिया पेलिया स्फेगना एक्सेट्रा में इसके मध्य नाड़ी के पास, ठीक है, अपस्थानिक शाखाएं निकलती है जो कि थैलस से अलग होकर एक नए थैलस को जन्म देती है, ठीक है। यह हमारा क्या है, रिक्सिया का थैलस है। ये हमारा पेरेंटल थैलस है, ठीक है। इसी के क्या होते हैं, मध्य भाग से यहाँ पर से क्या होता है, नए थैलस सॉरी बर्ड का फॉर्मेशन होता है या ब्रांच का, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटियस ब्रांच कहते हैं, ठीक है। यही ब्रांच क्या करता है, नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। फिर देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट्स इन ब्रायोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। लीवरवर्ट्स तथा मॉसेस के स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बने जैगोर्स या स्पोर्स से होता है, ठीक है। जो लीवरवर्ट्स और मॉसेस होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो जैगोर्ट या स्पोर्स बनता है उससे क्या होता है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट रिक्सिया में संपूर्ण स्पोर का उपयोग स्पोर्स एवं कैप्सूल के फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। कुछ स्पोरोफाइट्स में कुछ स्पोर्स मदर सेल्स से
स्पोर्ट्स के स्थान पर इलेटर्स बनाते हैं जो कि स्टराइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जटिल ब्रायोफाइट्स में वो स्पोर डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है जो कि फूड सिटैम कैप्सूल में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, जिसका आकार जो है वो अलग अलग सदस्यों में अलग अलग होता है। संरचना में जटिलता के आधार पर ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट्स को दो प्रकार, सरल एवं जटिल या बड़े होते हैं, ठीक है। सरल स्पोरोफाइट्स की सीरीज सरलतम स्पोरोफाइट ट्रिक्सिया से प्रारंभ होकर स्पिरोकार्प, टार्जियोनिया, पेलिया एवं एंथोसिरोस से होते हुए जटिल स्पोरोफाइट फ्यूनेरिया एवं पोगनेटम में क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट्स के डेवलपमेंट को समझाने के लिए दो थ्योरी दी गई है, जिस फर्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन, सेकेंड है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव रिडक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन। इस यह थ्योरी को बोवन 1908 से 35 ने प्रस्तुत किया था, जिसका समर्थन कैवर्स 1910 एवं कैंपबेल 1940 द्वारा किया गया, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार जटिलतम स्पोरोफाइट जैसे कि फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पोगोनेटम, ठीक है, के स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट सरलतर स्पोरोफाइट जैसे कि रिक्सिया मार्किंसिया के स्पोरेजिनस टिश्यू के प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। सरलतम रूपों में स्पोरोजिनस के संरचना सिंपल होती है तथा स्पोरोफाइट के अधिकांश टिशू फर्टाइल होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट में फोटोसिंथेटिक टिशू का अभाव होता है तथा वह गैमेटोफाइट पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रिक्सिया के स्पोरोफाइट में स्टरलाइजेशन इन द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया, ठीक है। रिक्सिया में जायगोट का कई बार डिवीजन होता है, ठीक है, कि ये 20 से 30 बार क्या होते हैं, डिवाइड होकर सेल्स का समूह बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन के होता है जिसके कारण बाहर की ओर यूनिसेल्युलर एम्फीथीसियम तथा मध्य में मल्टीसेल्युलर एंडोथीसियम बनता है, ठीक है। एम्फीथीसियम से कैप्सूल की यूनिसेल्युलर वॉल बनती है जबकि एंडोथीसियम से स्पोरोजिनस टिशू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सभी स्पोरोजिनस टिशू फर्टाइल होते हैं तथा डेवलप होकर स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, जबकि कुछ स्पोरोजिनस टिशू से नर्स सेल्स बनती हैं। रिक्सिया का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में सबसे सरलतम होता है तथा इसमें स्टराइल टिशू की संख्या जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसमें फूट एवं सीटा जो है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिक्सिया का स्पोर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केंसिया एवं पेलियम के स्पोरोफाइट्स में स्टरलाइजेशन। मार्केंसिया के स्पोरोजिनस का डेवलपमेंट रिक्सिया की अपेक्षाकृत अधिक एडवांस्ड होती है, ठीक है। इसमें हाइपोबेसल सेल्स से बने इम्ब्रियो का आधे से अधिक भाग स्टराइल रहता है, ठीक है, तथा सीट एवं फूट बनता है, ठीक है। ऊपरी एपिबेसल का आधा भाग फर्टाइल होता है तथा स्पोर्स प्रोड्यूस कैप्सूल बनाता है, ठीक है। जो स्पोर्स है वो क्या बनाता है, वो कैप्सूल बनाता है। इसमें एंडोथीसियम से 50% स्पोरोजिनस सेल्स एवं 50% स्टराइल सेल्स बनती है, ठीक है। स्टराइल सेल्स लंबाई में बढ़कर क्वाइल्ड होकर, ठीक है, थिक वॉल सेल्स बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेटर कहते हैं, ठीक है। मार्केंसिया के कैप्सूल्स में स्पोर्स एवं स्पोर्स इलेटर्स दोनों पाए जाते हैं। पेलिया में स्पोर्स इलेटर्स के साथ इलेटोफोर भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंथोसिरोस।
एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट्स में स्टरलाइजेशन। एंथोसिरोस में स्पोरोजीनस सेल्स का स्टरलाइजेशन रिक्सिया एवं मार्किंसिया से अधिक होता है, ठीक है। इसके स्पोरोफाइट्स के डेवलपमेंट के समय एंडोथीसियम क्या होता है, पूर्ण रूप से स्टराइल सेल्स का समूह बनाता है जिसे कॉल्यूमेला कहते हैं, ठीक है। इसमें स्पोरोजीनस सेल्स या आर्कियोस्पोरियम की उत्पत्ति केवल एम्फीथीसियम के इनर लेयर की सेल से होती है जो कि कॉल्यूमेला के चारों ओर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पोरोजीनस सेल्स डिवाइड होकर स्पोर मदर सेल्स एवं स्यूडो इलेटर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस प्रकार एंथोसिरोस में आर्किस्पोरियम क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में रिड्यूस्ड होते हैं। इसमें स्पोर्स की संख्या स्ट्राइल सेल्स से क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। एंथोसिरोस के आउटर लेयर से कैप्सूल की वॉल बनती है। कैप्सूल की वॉल में फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनते हैं जो कि एपिडर्मिस से घिरे रहते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस में गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाता है। यह पानी एवं मिनरल्स, वाटर एवं मिनरल्स के लिए ही क्या होते हैं, गैमेटोफाइट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट का स्टरलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट का अधिकांश भाग स्टराइल रहता है। यह फूड सीटा एवं कैप्सूल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। कैप्सूल की वॉल के फॉर्मेशन के समय एम्फीथीसियम डिवाइड होकर एपिडर्मिस, फोटोसिंथेटिक टिश्यू एवं स्पोर सेक का फॉर्मेशन करता है, जबकि एंडोथीसियम के इनर लेयर से कॉल्यूमेला एवं आउटर लेयर से स्पोरोजीनस सेल्स बनता है, ठीक है। स्पोरोजीनस सेल्स से आर्किस्पोरियम बनता है। इस प्रकार यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स या आर्किस्पोरियम का फॉर्मेशन एंडोथीसियम के आउटर लेयर से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आर्किस्पोरियम जो है वो अत्यधिक मात्रा में रिड्यूस्ड होता है और यूनिसेलुलर फर्टाइल सेल्स का ही बना होता है, ठीक है। इस प्रकार फ्यूनेरिया में स्पोरोजीनस टिश्यू का स्टरलाइजेशन अधिक मात्रा में हो जाता है, ठीक है। पॉलीटाइकम एवं फोगोनेटम में भी इसी प्रकार की स्थिति जो है वो होती है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स एंड डिक्सिया मार्किंसिया पेलिया एंथोसिरोस एंड फ्यूनेरिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओस्पोर्स है। ओस्पोर का क्या होता है, डिवीजन होता है। कई बार ये क्या होते हैं, सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं और उन्हीं सेल्स के डिवीजन के कारण क्या होता है, डिक्सिया मार्किंसिया पेलिया एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रेसिव रिडक्शन थ्योरी। इस थ्योरी को कश्यप 1990, चर्च 1990, कोबेल 1930 एवं इवॉन्स 1939 के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जबकि यह रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। इस बात के अनुसार रिक्सिया का सरलतम स्पोरोफाइट वास्तव में अत्यधिक एडवांस्ड है तथा इसका विकास फ्यूनेरिया पॉलीटाइकम जैसे जटिल ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट से सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है।